गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज हेमराज जाटव पत्रकार के साथ मारपीट को लेकर गुना पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन एवं जिले के पत्रकार इस मौके पर उपस्थित रहे, जो देखा सो दिखाया। बिना किसी तनखा के, बिना किसी कमीशन के काम करता है, उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री जी बात खत्म करो हो गई तुम्हारी पूरी बात। सर आपसे बस इतना सा निवेदन है, आप ये बता बस सर निवेदन आपसे तो बस इतनी सा निवेदन है, आप ये आश्वासन दे दो हम सबको उसी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। चलो देखते हैं, यथा संभव पूरा प्रयास होगा जी सरकार लिख पा के जी। इस पे साहब इतनी बड़ी घटना थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ी। बात बात वहीं की गिरफ्तारी करा दो सब बस सर, है ना सर, कानून के तहत गिरफ्तारी करा दीजिए बस। ठीक है वाइट लो तो आप लोग थोड़ा सा वाइट नहीं, मैं भी बगले पे ही था। सर कल जो पत्रकार हेमराज जाटव के साथ घटना हुई है, उसका सभी गुना के पत्रकारों में से है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और नाम दर्ज कोई रिपोर्ट नहीं है सर। जी मैं पूरा प्रकरण दिखवाता हूँ, इसमें घटना का संज्ञान तो मेरे नॉलेज में भी है, लेकिन अभी जो बताई गई बातें हैं उन पे विवेचना कराई जाएगी। तो पत्रकार के द्वारा सर उनको नाम बताए गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाम उसमें नहीं लिखे एफआईआर में, इस बिंदु पे भी विवेचना करवाते हैं। तो अभी अपराधियों में कब तक मतलब कार्रवाई हो जाएगी? और शीघ्र से शीघ्र विवेचना पूर्ण होने पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कोई आश्वासन प्रकरण तो देख लिया जाए, पत्रकार भाइयों में कहीं ना कहीं रोज से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपसे काफी अपेक्षा है। नहीं, इस बात को हम बड़े गंभीरता से लेके उस पर पूरी विवेचना करेंगे। आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो पत्रकार कैसे काम करेंगे? अब बता तो 24 घंटे का टाइम दिया था साहब ने कल, मेरे संज्ञान में तो अभी आप लोगों ने बताया है, हालांकि इधर उधर से जानकारी मुझे थाना प्रभारी कैंट अनु भार्गव जी को पूरा पत्रकार निबंधियों ने एक 24 घंटे का समय दिया था, सर आप उनको गिरफ्तार करें और अरेस्ट करके जेल भेजें, अगर नहीं भेजते हैं तो पत्रकार बंधु उग्र आंदोलन करने के लिए अग्रसर रहोगे, ऐसा उनको बोला गया था। अभी लगभग शाम को रात के 9 बजे तक 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं TSF जानकारी ले लूँगा, पूर्ण प्रकरण में क्या स्थिति है मैं जानकारी लेकर शीघ्र कार्रवाई करूँगा।